कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोलमंगलू में बीती रात एक भीषण हादसा हुआ है, जहां एक ऑडी कार बड़ी तेजी से खंभे से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हॉस्पिटल जाने के दौरान मौत हुई। खबर के मुताबिक ये ऑडी कार होशुर जिले के DM के विधायक वाई प्रकाश की थी, लेकिन उस समय गाड़ी उनका बेटा चला रहा था और साथ में उनकी बहू और 5 दोस्त भी मौजूद थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सभी लोग दोस्त थे जो बेंगलुरु में ही रहते थे, जिसमें से 3 महिलाएं और 4 पुरुष थे। सभी की उम्र लगभग 20 से 30 साल बताई जा रही है। सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मामले को आदुगाड़ी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि DM के विधायक वाई प्रकाश का बेटा ड्राइविंग के दौरान नशे में था या नहीं। क्योंकि CCTV रिकॉर्डिंग के मुताबिक जिस समय गाड़ी सीधा खंभे से जाकर टकराई, उस समय सड़क में कोई और गाड़ी मौजूद नहीं थी और ना ही आसपास कोई लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि दुर्घटना लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई है। विधायक का बेटा बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया। पुलिस ने बताया कि ऑडी Q3 की तेज स्पीड की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। कार ने पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के पास खंभे पर टक्कर मारी और नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद यह फुटपाथ पर चढ़ गई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच की है। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ऑडी कार की आगे वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे, वहीं पिछली सीट पर 4 लोग थे। पुलिस ने बताया कि किसी भी यात्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसमें 6 की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने बेंगलुरु स्थित स्टीफन जोन्स हॉस्पिटल में जाते समय दम तोड़ दिया।